नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की एक और निहायत ही मजाकिया वीडियो में आपका स्वागत है। वैसे तो हमारी ज्यादातर फनी सीरीज में फन होता है, पर ये वीडियो कुछ एक्स्ट्रा फन वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको कैमरे में रिकॉर्ड देश दुनिया के कुछ ऐसे फनी मोमेंट दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करें दोस्तों। तो आज की इस मजेदार वीडियो की शुरुआत हम एक मेंढक की नकल उतार रहे एक बच्चे की वायरल वीडियो के साथ करते हैं। वैसे ये तो आप सभी जानते हैं कि आप परछाई से कुछ भी अद्भुत बना सकते हैं, लेकिन अब आप जरा इस बच्चे को देखिए जिसने अपनी परछाई से एक मेंढक की आकृति को बनाया है, और उसे आगे बढ़ाने के लिए उसके जंप करने का तरीका उससे भी ज्यादा फनी था, जिसे देख कोई भी हंस पड़ेगा। अब हम स्नैपचैट के फिल्टर की बात करते हैं, जिसके साथ लोग तरह तरह के मजाक कर रहे हैं। अब आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, जिसमें किसी ने बहुत भद्दा मजाक किया है और करवा चौथ के दिन ही औरतों को टकला कर दिया है। जी हाँ, फिल्टर में ही औरतों और मुझे भी लगा दिए, ये देखने में कुछ ज्यादा ही फनी है। वैसे अगर आपको मौका मिला तो क्या आप इसका इस्तेमाल किसी पर करना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो फनी तो है ही, साथ ही ये आपको थोड़ा सा ज्ञान भी देती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे वीडियो बनाने वाले ने पहले कुछ जगहों के बारे में, लेक्स के बारे में बताया, जिसे देखने के बाद आपको भी नहाने का मन कर जाए। पर रुकिए, जरा वीडियो को पूरा तो देखिए पहले, उसके बाद उसने रियलिटी टाइटल लगा के वैसे ही कुछ जगहों के बारे में बताया, लेकिन पहली वाली जगह जितनी ज्यादा साफ थी, दूसरी जगह उतनी ही ज्यादा गंदी भी। उसके साथ ही इसका साउंड, उसका तो क्या ही कहना, गजब मजा ही आ गया। आज सुनील छेत्री यानी ये भारत के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर, जिन्होंने हाल ही में एक टूर्नामेंट जीता है। पर अब आप जरा इस वीडियो को देखिए, जिसमें सुनील छेत्री को एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के तहत ट्रॉफी दी जा रही थी, लेकिन उस बीच गणेश नाम के एक पॉलिटिशियन आते हैं, पर वो उसे डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के दौरान कैमरे में नहीं आ पाते, जिस कारण से वो सुनील छेत्री को थोड़ा सा धक्का देकर पीछे कर देते हैं। इसके बाद ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ और कई लोगों ने इसके लिए उस पॉलिटिशियन का मजाक भी बनाया। दोस्तों जरा देखे कैसे एक औरत गाड़ी में बैठी है और उसको साइड में खड़ी गाड़ी में उसका हस्बैंड, पर मजे तो तब आते हैं जब उसका हस्बैंड अपनी वाइफ के कहने पर नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर लाता है, क्योंकि उसकी वाइफ को उसके पिछले ड्राइविंग लाइसेंस में लगी फोटो पसंद नहीं आई थी। पर जब वो नया लाइसेंस या कहीं उसमें लगी हुई फोटो देखती है तो वो हंसी के कारण लोटपोट हो जाती है और ड्राइविंग लाइसेंस अपने पति के मुंह पर दे मारती है, क्योंकि उसमें लगी फोटो मेरे ख्याल से पिछले वाले से भी ज्यादा अजीब थी। आपने कई तरह की पुलिस की गाड़ियां देखी होंगी, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि ऐसी पुलिस की गाड़ी आप पहली बार देखेंगे। आप देखिए कैसे जब एक गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही होती है तो वो सामने खड़ी पुलिस की गाड़ी को देख धीरे हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी आगे बढ़ती है तो उसके अंदर मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिसे उस गाड़ी में बैठे लोग पुलिस की गाड़ी समझ रहे थे, वो असल में एक ढांचा निकला है जिसके ऊपर केवल लाइट फिटिंग होती है। वाह, क्या गजब का मजाक किया है इसने, तो मान गए। दोस्तों इस दुनिया में डरपोक लोगों की भी कमी नहीं है, इन लोगों की प्रजाति भर भर के पाई जाती है। कुछ लोग तो इतने डरपोक होते हैं कि आप उन्हें देखकर हंसी के मारे लोटपोट हो जाएंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक आदमी रोड पर आराम से जा रहा होता है, वहीं लुंगी पहने खड़ा दूसरा आदमी उस आदमी को घूरता है, जिससे कि जा रहा आदमी उस लुंगी वाले के पास आ जाता है, और फिर बाद में पता चलता है कि ये दोनों आदमी रोड पार करने के लिए एक गाय से डर रहे होते हैं, जिसको देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। दोस्तों आपने कई अजीबोगरीब लोगों को देखा होगा, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाने वाले हैं जिसको देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक आदमी उसी के पास बैठे एक मोटे आदमी के पेट से एटीएम मशीन के जैसे उसके पेट के ऊपर कार्ड स्वाइप करता है, और वो मोटा आदमी भी अपने पेट से ही उसके पैसे दे देता है। उस मोटे आदमी की इस हरकत को देखकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे कि ये तो बिल्कुल एटीएम ही है। वैसे कुछ भी हो, पर ये थोड़ा है मजाकिया। आप तो जानते ही होंगे कि बंदर कितनी ज्यादा अजीब हरकत करते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गिलहरी बंदर की नाक में दम कर सकती है? अगर नहीं तो आप देखिए कि कैसे एक पेड़ पर गिलहरी आराम से कटहल के मजे ले रही होती है, पर शायद हमारे बंदर भाई साहब को ये बात पसंद नहीं आती और वो उस गिलहरी को वहां से भगाने लगता है, लेकिन लाख कोशिश के बाद ही गिलहरी वहां से टस से मस, यानी कि जरा सी भी इधर उधर नहीं हिलती। आप हम तो क्या कोई भी इसे खींचा तानी को देखकर जरूर हंस पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन का काम अपने आप में बहुत मेहनत का काम होता है, लेकिन अगर कोई आपकी इस मेहनत को बेकार कर जाए तो आपको कैसा लगेगा?
और ऐसा ही कुछ हुआ जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हाल ही में किए गए कंस्ट्रक्शन को एक कुत्ता उसके ऊपर से निकलकर बर्बाद कर जाता है, जैसे वो फर्श को उस कुत्ते ने ही करवाया हो। ये देखने के बाद उस फर्श को कराने वाले मालिक का चेहरा तो देखने लायक होगा और कहीं ना कहीं इस कुत्ते की ही हरकत हमें हंसने पर भी मजबूर कर देगी। इस दुनिया में वाकई क्रिएटिव लोगों की कोई कमी भी नहीं है, क्योंकि आपने कभी किसी को क्रिएटिव तरीके से अपना समय और काम बचाते देखा है? अगर नहीं तो पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे रोड के एक तरफ से एक आदमी रोड के दूसरी तरफ खड़े एक दूसरे आदमी को खाना बनाते बनाते इस तरफ से उस तरफ कब पहुंचा देता है पता नहीं चलता। गजब यार, इन लोगों के इस काम करने के अजब तरीके को 21 तोपों की सलामी। दोस्तों, आपने पति पत्नी की लड़ाइयां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन कभी आपने किसी पत्नी को अपने ही पति को उठाकर पानी में फेंकते हुए देखा है? अगर ये वीडियो कैमरे में कैद नहीं होती तो शायद आप देख भी नहीं पाते और ना ही कोई इस पर यकीन करता। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक औरत अपने पति को सर पर लेकर पास ही में एक तालाब में फेंकने चली जाती है। अब तो उसके पति को भगवान ही बचा सकता है। इन सब के बाद तो उसका पति भी सोच रहा होगा कि पिछले जन्म में कौन सा कर्म किए होंगे जो ऐसी पत्नी मिली। ऐसा कौन करता है भाई कि तालाब में ही फेंक आओ, वो भी पति को। गजब खराब पत्नी है यार। इसके बाद अब आप जरा इस वीडियो को देखिए, जिसे देखने के बाद आप लोटपोट हो जाएंगे। दरअसल आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक भारतीय औरत विदेश में लेस चिप्स का पैकेट खरीदने जाती है और साथ ही में आलू टमाटर और लहसुन फ्री में मांगने लगती है। कहती है कि लेस के पैकेट के ऊपर ये चीजें बनी हैं, इसलिए फ्री में आएंगी। दुकानदार की लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं मानती, तो वो उसे फ्री में आलू टमाटर और लहसुन दे देता है। लेकिन जब बारी पैसे देने की आती है तो वो 20 रुपए का नोट उसे दे जाती है, जबकि वो कहता रहता है कि उसे बिल पाउंड में चाहिए। आप मानो या ना मानो, ये वीडियो भारत के लोगों पर परफेक्ट सूट करता है। इंडियन पैसे तो दूंगी ना, तो ये यहां कहां चलेगा मैडम? तो इंडियन चीजें तो चल रही है ना, पैसे भी तो एक काम कर, अगली बार आएगी मैडम, एक ताला लाइए साथ में। किस लिए? मैं लगा लूं दुकान पे। मैं ही लगा के जाऊंगी आपकी दुकान पे ताला, कोई बात नहीं। अरे भगवान, कब अकल आएगी तुम्हें। आखिर में आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, जिसमें एक लड़की सनग्लासेस लगाकर ट्रैवलिंग के दौरान सीट पर हाथ में पर्स लेकर इस तरह से बैठी हुई है जैसे वो सो रही हो, कि तभी एक आदमी उसके पर्स में हाथ डालकर पैसे निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी उसको चेक करने के लिए उसके ग्लासेस उतार कर देखता है, तो वो लड़की उसी को देख रही होती है। इसके बाद वो उन पैसों को वापस रख देता है। इसे कहते हैं हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। तो दोस्तों, यदि हमारी एक और फनी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।